मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर नगर निगम की जल कार्य शाखा में पदस्थ अथर परवेज के खिलाफ शिकायत की है। मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन ने कहा कि अथर नगर निगम में शासकीय कर्मचारी हैं और वह कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए राजनीतिक प्रचार और उनका पीए बनकर काम कर रहा है, जबकि सारी सुविधाएं सरकार से ले रहा है। ये नियम विरुद्ध है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। हसन ने अथर परवेज पर एफआईआर दर्ज करने, अभी तक जो भी वेतन लिया है उससे वापस लेने की मांग की है। हसन ने कहा कि कांग्रेस विधायक को यदि कोई सुविधा के लिए कर्मचारी दिया गया है तो वह उससे केवल शासकीय काम करवा सकता है, न कि कोई भी प्रचार प्रसार। क्योंकि एक शासकीय कर्मचारी अगर डिप्यूटेशन पे भी अगर कहीं जाता है तो उसके एक नियम होते हैं कि वो ऑफिशियल आचार संहिता में ऑफिशियली काम करेगा, ऑफिस का ही काम करेगा अगर डिप्यूटेशन पे है तो। लेकिन एक व्यक्ति 2030 में जिसका रिटायरमेंट है वो माइक लेके प्रत्याशी का प्रचार करता है तो वो एक दंडनीय है, इनके आम अपराध है। ऐसे व्यक्ति का निष्कासन करना और लगभग 15 साल से एक ही जगह वो विधायक का प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनके पीए बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच कराकर और इसके खिलाफ रिकवरी होना चाहिए। 420 चूँकि बराबर तनख्वाह जलकार्य विभाग में है, 2030 में उनका रिटायरमेंट है, तनख्वाह बराबर प्राप्त कर रहे हैं, शासन से तनख्वाह ले रहे हैं, योजनाओं का लाभ शासन से ले रहे हैं और ड्यूटी एक कांग्रेस के एक विधायक जी की कर रहे हैं। मैं अथर परवेज साहब हैं और मैंने एक अभियान छेड़ रखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, या सपा हो, या भाजपा हो, या मेरे परिवार का भी कोई होगा गलत कार्य करता है, तो ये हमारे दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है कि शासन को हम इस तरह के हरकतों से और इस तरह के कृत्य से जिससे कि शासन का सरकार का नुकसान हो रहा है, हम सरकार को अवगत कराएं। चूँकि आचार संहिता लागू है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के पास हम आए थे, तो IAS राजेश कोल साहब हमसे मुलाकात हुई है, अपर निर्वाचन आयुक्त, उनका कहना है कि हम इसमें तत्काल जांच कराएं, क्योंकि गंभीर मामला है, इसको हम रख नहीं सकते, इसको हमें आगे बढ़ाना है, तो कहला मैंने अभी बढ़ा रहा हूँ आगे, तो शायद वो साइन भी कर दिया और किसी को हैंड ओवर किया हमने। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे 420, 419, 467, 468 के आरोपी है, चूँकि साइन करके तनख्वाह प्राप्त करना अपने आप में ये साबित करता है कि शासकीय सरकार के साथ धोखा है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। यही नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, आज हम निर्वाचन आयोग आए, एक शासकीय कर्मचारी हैं जो सालों से सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, वो काम एक विधायक का कर रहे हैं, प्रचार करना, विधायक के पाए जाते हैं, साइन करके सरकार से तनख्वाह लेना और काम कहीं और करना, किसी के पीए बनना, ये एक 420 का काम एक बहुत बड़ा अपराध है। उनके ऊपर जांच होना चाहिए कि ये कई सालों से क्यों कर रहे हैं। पिछले 10 साल से तो मैंने खुद उनको विधायक किया देखा है। मेरा नाम शमा तनवीर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?